बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं। तो आज की वीडियो में पहले तो ये बात है कि मैं बहुत अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ, एक महीने बाद, ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो ये जो है ना, अब इंशाल्लाह ताला आगे कंटिन्यू रहेगा काम। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं दो ऐसे शेयर जो कि मोस्टली आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छा और अच्छा लेवल आपको दे सकते हैं। छोटे से शेयर्स हैं, 10 रुपये 12 रुपये वाले, और हाईली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमेनल ने, अगर हम इसको एक और की कैंडल पर देखें ना, तो इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। और इसको अगर हम मैकडी के लिहाज से देखें तो लास्ट आवर में इसने बहुत अच्छा गेन दिया है। मैकडी RSI, लेकिन थोड़ा सा ये कि ओवरबॉट रीजन में, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको स्टिल बहुत अच्छे गेम देगा। और इसको मैं 2 आवर्स पे देखूं तो बेस्ट है, एक दिन पे ले चले इसको, एक दिन पे तो ये बहुत ही अच्छे पैगाम दे रहे हैं ना कि इसके बोलिंजर बैंड देखें, बोलिंजर बैंड को ये कैंडल स्टिक कर चुकी है, और इंशाल्लाह ताला ये आगे भी कंटिन्यू रखेगा। और वॉल्यूम्स बहुत तगड़े हो रहे हैं, दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। और मैकडी इसके देखें, अगर हम मैकडी की अगर नजर डालें मैकडी पे, तो मैकडी भी टोटल पॉजिटिव है। पिछले 5 दिनों से इसका ग्राफ मैकडी के हिस्टोग्राम बढ़ते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। RSI बुलिश जोन में आ गया डेली बेसिस पे, तो ये भी बहुत प्यारा लेवल है इसको बाय करने का स्टिल। और वीकली बेस पे ये मोमेंटम में है, और वीकली बेस पे भी इसका ये कैंडल जो है ये ऑलमोस्ट उसको चिपक चुकी है, और इंशाल्लाह ताला ये वीकली यहीं पे बनेगी कैंडल, और नेक्स्ट वीक में यहाँ से ऊपर आगे ये कंटिन्यू रखेगा। RSI टोटल पॉजिटिव जोन में आ रहा है वापस, सिग्नल लाइन थोड़ी सी नीचे है, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी आएगी, लेकिन ये है कि ये आगे अगर इसको लंबा रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आगे कंटिन्यू रखेगा। वीकली बेसिस पे भी RSI 60 से ऊपर है, जो कि बड़ा अच्छा साइन है। और मंथली अगर देख लें तो मंथली भी MACD जो है वो आपका इस मंथ थोड़ा हिस्टोग्राम भी बढ़ गया है, तो इंशाल्लाह ताला ये भी आगे मंथली बेसिस पे कंटिन्यू रखेगा अपने आप को। और RSI ऑलमोस्ट 50 से भी ऊपर है, और रेजिस्टेंस लेवल को बस ब्रेक करने वाला है इंशाल्लाह ताला मंथली बेसिस पे। तो ये मंथली बेसिस पे अगर आपको 9.2 की या 9 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया ना, तो इंशाल्लाह ताला ये फिर 11, 13 और 17 के लेवल आपको देगा इंशाल्लाह ताला। तो ये बहुत अच्छे मोमेंटम है, इसको लाजमी कंसिडर करें, लेके बैठे इसको, और लंबा अगर लेके बैठेंगे 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड सा गेन दे सकता है। तो कोई भी नहीं कह सकता कितना है, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये 17 और 21 के टारगेट मारेगा, 27 के अगर 3-4 महीने के अंदर, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरा शेयर मैं आपको बताता हूँ, एक एस्टम डेली बेसिस पे तो इसको देखना बेकार है, क्योंकि ये पुलिश हो चुका है डेली बेसिस पे, तो इसमें कोई शक नहीं है। RSI इसका दोबारा एक लो लगा के दोबारा ऊपर अपने बुलिश जोन में आ गया, और जब तक ये शेयर डेली बेसिस पे 11 रुपए से ऊपर है ना, तो ये आपको बहुत अच्छा गेन देगा। और 11 रुपए इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, अगर ये 11 रुपए से नीचे क्लोज होता है तो फिर इसको जरा नहीं लेना, लेकिन 11, 11, 55, 11 ये इसका बाय रेंज है, ठीक है। बहुत बड़ा सपोर्ट है इसका लेवल, वीकली बेसिस पे ये बोलिंजर बैंड के ऊपर है इसकी कैंडल, तो इंशाल्लाह ताला ये कैंडल यहीं पे बनेगी, और अगली कैंडल भी फिर यहीं से कंटिन्यू रखेगी, और एवरेज 20 वीक्स की वो भी ऊपर की तरफ है, इंशाल्लाह ताला ये आगे कंटिन्यू रखेगी। हिस्टोग्राम इसके वॉल्यूम वाइज बहुत अच्छे बन रहे हैं, MACD भी इसका टोटल पॉजिटिव है, RSI बुलिश जोन में वीकली बेसिस पे, मीन्स की वीकली बेसिस पे आपको अच्छे गेन देगा, और मंथली बेस पे तो ये बोलिंजर बैंड के थोड़ा बाहर है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला ये अगर थोड़ी सी करेक्शन लेता है तो 11, 55, 11 तक की करेक्शन लेगा, इससे ज्यादा नहीं एक्सपेक्टेड फिगर, और मंथली बेस पे भी ये आपको अच्छे गेन देगा। तो ये दो शेयर्स आप अगर लेके बैठते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा गेन देंगे आपको मंथली बेसिस पे। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। उसके बाद एक और शेयर है स्टील सेक्टर में, एस्टल बल्कि NML को देख लेते हैं। NML भी बड़ा आजकल गेन दे रहा है, और AKD वालों ने NML को बड़ा सपोर्ट किया है ना, AKD वालों की इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, उन्होंने स्पेसिफिकली आगे कहा, जिस दिन से उन्होंने आगे कहा है तो ये 80 रुपए से उठ के 90 रुपीज पे चला गया। और अगर हम वीकली बेस पे देखें तो ये वीक इसके लिए पॉजिटिव रहा है, और माइट पॉसिबल के ये 94 और 97 के भी आपको लेवल्स दे सकता है,
एकेडी वालों ने इसके पीछे इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तो इसमें बड़ी इतिहास है और इसकी सपोर्ट इस टाइम पड़ी हुई है 87 के पास। 87 से ऊपर ऊपर अगर ये आपको देता है ना, तो ये 94 और 97 के लेवल देगा इंशाल्लाह आपको। तो इंस्टेंट टारगेट इसका 91, 94 और 97, तो ये भी आप देख सकते हैं वीकली बेसिस पे। लेकिन वो जो दो शेयर हैं छोटे शेयर, वो बहुत अच्छे, तो इन तीन शेयर पे आप कॉन्सेंट्रेट करें और इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे गेन देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सी यू सून।